हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ सूजी का इडली, जो बहुत बढ़िया बनी है। देखिए, रुई जैसी सॉफ्ट बनी है, इतने स्पॉन्जी है। देखिए, अब इसे कैसे बनाना है, तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम सूजी लिया है। मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ। यदि आपके पास बारीक सूजी है तो आप बारीक सूजी लीजिए, मेरे पास बारीक सूजी नहीं था, इसके लिए मैं इसे मिक्सर ग्राइंड में इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इसे ग्राइंड करके एक बर्तन में निकाल लूँगी। 500 ग्राम सूजी है तो इसमें मैं 250 ग्राम दही डालूँगी। इसे दही डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए 1 टीस्पून के बराबर। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे बैटर तैयार कर लेती हूँ। इसे किस टाइप का बैटर रखना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, इसे और पानी डालती हूँ थोड़ा सा, इसे अच्छे से बैटर तैयार कर लेती हूँ। बैटर तैयार है, अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। तब तक के लिए मैं नारियल की चटनी के लिए नारियल ले लेती हूँ। इसे छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ। इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में से पीस लूँगी। सर अब मैं इसे डाल रही हूँ 1/2 कटोरी रोस्टेड किया हुआ चना दाल, दही, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। अब मैं इसे पानी डाल के इसे पीस लूँगी एकदम पतले जैसे। नमक स्वाद अनुसार डालिए, इसे इस टाइप करना है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। छौंका लगाने के लिए तेल गरम है, इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून राई का दाना और कढ़ी पत्ता। इसे छौंका लगा देती हूँ। देखिए, नारियल की चटनी तैयार है। अब मैं इडली का बैटर जो रखे हूँ, अब मैं उसे देख लेती हूँ। 20 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, बैटर तैयार है। अब मैं इसमें 1.5 पैकेट इनो डाल दूँगी। इनो डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी डालने से क्या होता है, बैटर फूल जाता है अच्छी तरह से। देखिए, पानी डाल के मैं बैटर को तैयार कर लेती हूँ। इडली के बर्तन में मैं तेल लगा देती हूँ थोड़े थोड़े। अब इसे थोड़े थोड़े तेल लगा लीजिए। अब हर एक में मैं इडली का बैटर इसमें डालती हूँ। पानी गर्म करने के लिए मैं रख दी हूँ। देखिए, पानी उबल रहा है। मैं इसे स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। लगभग 15 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दूँगी। इसे ढक देती हूँ। क्या 15 मिनट हो गया है। अब मैं इसे चाकू की मदद से इसे चाकू में इसे देखिए, चाकू में चिपका नहीं है, इसका मतलब इडली तैयार हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे एक एक करके निकाल लेती हूँ। कितनी अच्छी बनी है, आप इसे घर में बनाइए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। अब मैं इसे एक एक करके निकाल लेती हूँ। एक एक करके निकाल के इसे प्लेट में डाल देती हूँ। आप इसे
ब्रेकफास्ट में खाइए, बच्चे को टिफिन में दीजिए। बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी है, देखिए कितनी अच्छी रेसिपी लग रही है। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है इडली। तो फ्रेंड्स, इडली की वीडियो की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।